जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इस मंदिर में अभी भी है स्वर्ग जाने वाली 40 सीढ़ियाँ। स्वर्ग यानी हेवन, इस शब्द के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। स्वर्ग का वर्णन तो हमारे शास्त्रों में कई सदियों से चला आ रहा है, पर क्या सच में स्वर्ग होता है? नमस्कार, मैं हूँ पायल अवस्थी और आप देख रहे हैं पहाड़ी बिट्टी का शोभला हिमाचल सीरीज। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के एक ऐसे ही मंदिर में। तो चलिए कुछ बातें करते करते पहुंचा जाए मंदिर की ओर। तो आज हम निकले हैं इस हसल बसल और हॉटस्पॉट से थोड़ा दूर जाने के लिए। डेस्टिनेशन अभी हमें भी नहीं पता है, कुछ एक दो शॉर्ट लिस्ट करी है, वहां पहुंच के आपको बताते हैं कि हम आज कहां पहुंचे हैं। फाइनली हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने डिसाइड किया है हम जाएंगे आज बाथू की लड़ी, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। तो हम आपको वहाँ जाके एक्सप्लेन करेंगे कितना ब्यूटीफुल है वो। फिलहाल आप वहाँ पहुँचने का रास्ता पहले जान लें। वैसे तो वहाँ पे जाने के लिए कांगड़ा से जो पठानकोट वाला हाईवे है वो लेना पड़ता है, और उसी हाईवे में बीच में एक जगह आती है 32 मील। 32 मील से आपको लेफ्ट लेना होता है और आप उसी रास्ते में चलते रहेंगे टिल जवाली। जवाली एक विलेज है, वहाँ पे बाथू की लड़ी के नियर बाय पड़ता है। वहाँ से बाथू की लड़ी रह जाता है 10-12 किलोमीटर्स आई गेस। बट हमने लिया है थोड़ा अनयूजुअल सा रोड, जो अब हम आपको दिखाते हैं। हमने लिया है नंद्रूल और ओल्ड कांगड़ा वाला रोड, जो बीच में एक जगह लंज में मिलता है। वहाँ से आगे हम आपको फिर आगे बताएंगे। ये देखो, ये कितनी ब्यूटीफुल सी वैली है, ये हम किसी और दिन आपको कवर करेंगे। यहाँ हमारा ये वाला रास्ता लेने का ये रीज़न है कि ये वैली बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको लोकल्स कुछ कहते हैं, कौन सी, क्या बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रेलियन वैली और समथिंग मे बी। यहाँ पे बहुत सारे ग्रास लैंड और मिडोज हैं, इसलिए शायद इसको ऑस्ट्रेलियन वैली बोला जाता है। तो ये हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। हम मोस्टली यहाँ पे इवनिंग वॉक्स के लिए आते हैं, और ये बहुत ही सुंदर एक लोकेशन है। और यहाँ से एकदम सामने वहाँ पे वो जो आप देख रहे हैं ना, वो है कांगड़ा फोर्ट। वो देखिए, वो है कांगड़ा फोर्ट। इस जगह हम वैसे तो आज से 3 साल पहले भी गए थे, तब तो ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड टाइप थी, कोई इतने ज़्यादा लोग यहाँ जाते नहीं थे। हम जब गए थे तो आई गेस हम दो ही थे वहाँ पे, और कोई ज़्यादा इतना भीड़ भाड़ कुछ नहीं था। बट अभी काफ़ी ये पॉपुलर होता जा रहा है स्पॉट, तो देखते हैं। अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। हाँ, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। अच्छा है कि हमारी हिमाचल की ब्यूटी सब जगह पहुँच रही है, बट बुरा ये है कि कुछ लोग आकर ब्यूटी को स्पॉइल कर देते हैं, ट्रैश फेंक के जाते हैं। उनके लिए सिर्फ एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट हम जब ऐसी कोई गंदगी ये सब देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। चलो देखते हैं आज चल के कि कैसा है वहाँ पे, क्या चेंजेस हुए हैं। वैसे मैंने लेटेस्ट सुना कि उसको मिनी गोवा भी बोलते हैं। देखते हैं ऐसा मिनी गोवा टाइप क्या वहाँ पे हो गया है। तब तक आप ब्यूटी एंजॉय कीजिए। ब्यूटीफुल जंगल, वाओ, ये सुंदर स्टेट है। हम इस ब्यूटी के लिए ही इस रास्ते से आए, क्योंकि शायद मेन हाईवे से जाते तो ट्रैफिक ची ची बै बै ये सब होता, और यहाँ पे सिर्फ हम दो हैं। पूरे रास्ते में अब तक कोई गाड़ी नहीं मिली है हमें, इससे ज़्यादा और क्या चाहता है इंसान। अब हम पहुँच गए हैं मेन रोड पे। मेन तो क्या मतलब, स्टेट हाईवे है शायद ये भी। लोगों से पूछ पूछ के, लिंक रोड का सबसे बड़ा नुकसान कि हर 1-2 किलोमीटर बाद आपको एक और डाइवर्जन मिल जाएगा। इतने डाइवर्जन होते हैं कि आप भूल ही जाओ कि आप जाना कहाँ जा रहे हो। तब हम पहुंच गए हैं सलोल। सलोल से हम लेंगे लंच के लिए।
भैया लंच के लिए ये रास्ता क्या? थैंक यू। एक और हमने रास्ता पूछा, ऐसे ही हम पिछले 3-4 बार जितने भी लोग रास्ते में मिल रहे थे उन सबसे पूछते हुए जा रहे थे कि सलोल के लिए यही रास्ता गया, यही रास्ता गया। सब बोल रहे थे कि हाँ जी बिल्कुल सीधे चले जाओ, बट फिर भी हम हर बार कंफर्म कर रहे थे क्योंकि डाइवर्जन ही इतने सारे थे। तो पूछना ज़्यादा बेटर है रेदर देन किसी गलत रास्ते में पड़ जाना और फिर से रास्ते को ढूंढते रहना। इससे अच्छा है कि पूछ के चलो। तो ये आपके लिए टिप नंबर 1 है कि कभी भी आप लिंक रोड लें तो पूछ के जाएं। गूगल मैप्स के भरोसे बिल्कुल मत रहें क्योंकि गूगल मैप्स यहाँ पे कहीं किसे कहीं पहुँचा देता है। वाओ कितना सुंदर कलर है इन फ्लावर्स का, और ऐसे फ्लावर्स पूरे रास्ते में मुझे देखने को मिले हैं। कितना ब्यूटीफुल है ये। हम कैरियां चौक और ज्वाली, जहाँ से हमें लेफ्ट लेना है बाथू की लड़ी के लिए। तो ये एक्चुअल में ठीक रोड है जो कि कच्चा रास्ता शुरू हो गया है। 6 to 6.8 किलोमीटर्स है, कच्चा है पूरा पैच। और ये देखिए हम पहुंचते हुए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। टावर है जो बिल्कुल इतना सा दिखता है ऊपर, हाँ ये वाला लास्ट में, बाकी सारे जो है वो पानी में डूब जाते हैं बिल्कुल। यहाँ पे ये जो पोंग डैम है उसका पानी छोड़ा जाता है। तो चलिए थोड़ा इन मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। ये कुल 6 मंदिर हैं, जिनमें से 5 छोटे और 1 बड़ा मंदिर है। जो एक बड़ा मंदिर है वो है यहाँ का मुख्य मंदिर, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, और अन्य मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग जी के ऊपर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि आज भी सूरज की किरणें ढलने से पहले भगवान शिव जी की आज्ञा लेती हैं और इस मंदिर पर पड़ती हैं, तभी सूरज ढलता है। ये सभी मंदिर एक माला की तरह पिरोए हुए हैं, इसीलिए इनको बाथू की लड़ी कहा जाता है। ये देखिए, ये है वो मुख्य मंदिर जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। वैसे तो ये शिवलिंग यहाँ पे 6 शताब्दी से था, परंतु जब 1970 में महाराणा प्रताप बांध बना तो ये खंडित हो गया, इसलिए उस समय यहाँ दोबारा शिवलिंग स्थापित किया गया। तो देखिए ये है वो मंदिर जो साल के 8 महीने पानी के अंदर रहता है। है ना कितनी अचंभे वाली बात कि पिछले 50 वर्षों से पानी में रहने के बावजूद ये मंदिर बिल्कुल ठीक है। मंदिर है और एक तरह से मंदिरों की पूरी चेन बनी हुई है। तो इसको बाथू की लड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आई गेस यहाँ पर बहुत सारी मंदिरों की पूरी चेन ही है एक तरह से, इसलिए इसको बाथू की लड़ी बोलते हैं। और बाथू यहाँ पे एक फेमस पत्थर है जिससे ये मंदिर बने हैं, जो कि पानी के अंदर जाके भी डिजॉल्व नहीं होता है क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो पानी के अंदर रहता है। फ्रॉम जुलाई टू आई गेस फेब्रुअरी तब तक ये पानी के अंदर रहता है, और उसके बाद ये इसके लिए यहाँ आने के लिए बेस्ट टाइम है मार्च टू जून। तो हम अभी यहाँ पे जून में हैं। वैसे
अगर आपने ग्रीनरी के साथ ये पानी और ये मंदिर का व्यू इंजॉय करना हो तो आपको यहाँ पे मार्च में आना चाहिए। एंड अब थोड़ा सा इन मंदिरों के बारे में। वैसे बोलते हैं कि 6th century में गुलेरिया साम्राज्य ने यहाँ पे इन मंदिरों का निर्माण किया था, और अगर लोक कथाओं के अनुसार हम चलें तो कहा जाता है कि पांडवों ने इन मंदिर का निर्माण किया था, वो यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहते थे। तो फिलहाल मैं तो इतना ही जानती हूँ इन मंदिरों के बारे में। रनसर, उसे और आई गेस इसे मिनी गोवा भी बोलते हैं। आज हम आपको सनसेट भी दिखा पाएंगे। हाँ, आज मैं मुझे लग रहा है कि सनसेट विटनेस करना पॉसिबल हो जाएगा। पिछली बार हम यहाँ आए थे तो बहुत ही शांति थी, कोई भी नहीं था। शायद ये डेस्टिनेशन ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी, बट अब तो यहाँ पे प्रॉपर टूरिज्म की तरह ये चल रहा है। यहाँ पे एक आइसक्रीम वाले की शॉप है, एक बर्गर है, बर्गर वाले की शॉप है, तो आपको स्नैक्स भी यहाँ मिल सकते हैं। लास्ट टाइम तो हमें कुछ भी नहीं मिला था एंड वी वर लिटरली हंग्री, तो हम चाहते थे कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, बट यहाँ से खाने के लिए कम से कम 10-12 किलोमीटर्स आपको जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ता था पिछली बार, अब तो नहीं, अब तो बगल में ही शॉप है। फिर हमने कुछ आइसक्रीम, फालूदा वगैरह खा के कुछ फ़ोटोशूट किया। ये देखिए, ये है पिछली बार की हमारी फ़ोटोज़ जब हम पिछली बार आए थे। उसके बाद हम पानी के थोड़ा पास गए, हमने थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया और एक पत्थर मारने वाली गेम खेली कि पानी में किसका पत्थर ज़्यादा दूर जाता है। एंड ऑब्वियसली मैं तो इस गेम में हार ही गई। वो जो एरिया है ना, इस ये नहीं, इससे अगला वाला, वो है रनसर। यहाँ से वहाँ तक जाने का लेते हैं 300 पर हेड, और कम से कम 11 लोग होने चाहिए एक बोट में, बट अभी तो कोई बोट भी नहीं है। तो ये देखिए, ये आ गए हैं हम उस जगह पे जहाँ पे पांडवों ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बनाना शुरू की थी। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे, तो उन्होंने मंदिर के निर्माण के साथ साथ स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बनाने का काम भी शुरू किया था। जब उन्होंने इस बात के बारे में श्री कृष्ण जी से जिक्र किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें एक रात में ये सीढ़ियाँ बनाकर ख़त्म करनी पड़ेंगी, और जैसे ही सूर्योदय होगा पांडवों को ये काम छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर पांडवों ने अनुरोध किया और श्री कृष्ण ने 6 महीनों के लिए अंधेरा कर दिया। पांडव मंदिर के साथ साथ स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी बनाने लग पड़े, परंतु जब आखिरी 2.5 सीढ़ियाँ बची थी तो पास में एक महिला ने दीपक जला दिया था, जिससे पांडवों को लगा कि सवेरा हो गया है और उन्होंने ये काम अधूरा ही छोड़ दिया। कई जगह ये भी माना जाता है कि अगर ये सीढ़ियाँ बन जाती तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ होता, इसलिए श्री कृष्ण जी ने लीला रची और ये काम अधूरा रह गया। तो अभी हम खड़े हैं ऑलमोस्ट 50 feet पे। यही एक ऐसा टावर है यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी से बाहर रहता है, अदरवाइज ये जितने भी आप यहाँ पे मंदिर देख रहे हैं ये सारे इस पानी के अंदर होते हैं। जुलाई ऑनवर्ड्स सिर्फ एक ये जगह है जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये ऑलमोस्ट 50 feet है, ये थोड़ा सा पानी से बाहर रहता है, अदरवाइज बिल्कुल पानी के अंदर डूब जाता है सब कुछ। ये देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है साइड में, इसको कैप्चर करेंगे हम, जिसके लिए स्पेशली आए हैं। तो
एंजॉय कीजिए आप ब्यूटीफुल सनसेट। तो हम सनसेट के साथ अनार खाते हुए मजा ले रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर पिकनिक। आप अपना लंच पैक करके ला सकते हैं यहाँ पे, और डिनर नहीं, लंच के टाइम पे तो बहुत धूप होती है यहाँ पे, सर्दियों में बंद होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप इवनिंग स्नैक्स लेकर आ सकते हैं और सनसेट के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी हमेशा की साथी जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहती है, हमारे हर ट्रैवल में हमारी अच्छी मेमोरीज को बनाने के लिए ये हमारा साथ देती है। तो इस समय बज रहे हैं 7:40 ऑलमोस्ट, और सूरज भी अपने घर जा चुका है, तो हमें भी अपने अपने घरों की तरफ निकलना पड़ेगा। आज का हमारा आंखों की लड़ी का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। अगली बार हम आपको रनसर आइलैंड दिखाएंगे, जो कि थोड़ा इस तरफ को पड़ता है यहाँ से, उसमें बोट में जाएंगे कभी अगर मौका मिला तो। अभी तो यहाँ पे बोट अवेलेबल नहीं थी, तो आज हम यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। ये देखिए, दिस वॉज द ओनली रीजन आई वॉज सेइंग दैट देर आर सम थिंग्स विच आई हेट अबाउट टूरिज्म। पीपल जस्ट थ्रो ट्रैश वेयर एवर दे वॉन्ट। मतलब पता नहीं यार दोस्तों, आप अपने साथ कुछ ला सकते हो तो उसे वापस क्यों नहीं ले जा सकते। प्लीज गाइस, सेव माउंटेन्स एंड सेव मदर नेचर। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। इसी के साथ ये पहाड़ी बिट्टी आप सबसे विदा लेती है। एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट मीन्स अ लॉट टू मी। और हाँ, जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के साथ। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन।